करनाल पुलिस ने युवक की हत्या के फरार इनामी मोस्ट वांटेड आरोपी को काबू कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि उसने निसिंग के रहने वाले विशु की हत्या की थी और शव को नहर में फेंक दिया था। इस वारदात में उसके दो अन्य साथी भी शामिल थे। पत्रकारों से रूबरू होते हुए पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया ने बताया कि 29 दिसंबर 2019 को देर शाम करनाल के निसिंग थाना में दर्शन लाल निवासी निसिंग ने शिकायत दी थी कि उसके बेटे विश्व भारती उर्फ विशु को किसी ने किडनैप कर लिया है। शिकायत में बताया गया था कि इस संबंध में दोपहर बाद उनके पड़ोसी भुट्टा सिंह के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया था कि 5 लाख रुपए दे दो वरना तुम्हारे बेटे की हत्या कर देंगे, जिसके चलते 2.5 लाख रुपए उनके द्वारा बताए गए स्थान पर दे दिए गए, लेकिन रुपए देने पर भी उनका बेटा घर नहीं लौटा। शिकायत को लेकर थाना निसिंग में मामला दर्ज किया गया था। करनाल पुलिस के क्राइम यूनिट CIA 1 टीम के इंचार्ज निरीक्षक दीपेंद्र राणा का मामले की जांच सौंपी गई थी, जिसके चलते आरोपी अमनदीप उर्फ अमन बाबा निवासी निसिंग को कस्बा पुंडरी जिला कैथल से काबू किया गया है, जिससे एक 315 बोर का कट्टा व जिंदा कारतूस बरामद किया गया। आपको बता दें कि आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया है कि 29 दिसंबर को विशु के परिजनों से रुपए लेने के बाद ही उन्होंने विशु की हत्या कर दी थी, वह शव नहर के पास फेंक दिया था। पुलिस टीम द्वारा आरोपी की निशानदेही पर विशु का शव पंजाब के पातड़ा खिनोरी घग्गर नहर से बरामद किया गया। वहीं आरोपी ने बताया कि वारदात में उसके साथ गोंदर के रहने वाले उसके दो साथी राजेंद्र उर्फ जिंदा व रविंदर उर्फ बिंद्रा भी शामिल थे। युवक का किडनैप करने के बाद उन्होंने गांव कोल से पबवाना जाते समय एक भट्टे के मजदूर से फोन छीन लिया था और उससे फोन करके विशु के परिजनों से रुपयों की मांग की थी। तफ्तीश के दौरान रोहित निवासी गोंदर व कमल निवासी ढोडकारसा का नाम सामने आया। विदित है कि 5 जनवरी 2020 को किडनैप की योजना बनाने में शामिल आरोपी रोहित निवासी गांव गोंदर को पुलिस ने काबू कर लिया था, जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। वहीं पुलिस ने फरार आरोपी राजेंद्र उर्फ जिंदा निवासी गांव गोंदर को भी काबू कर लिया है। आरोपी से 315 बोर का कट्टा व 3 जिंदा रोंद बरामद किए गए हैं। आरोपी ने बताया कि उसने विशु को पैसे के लिए किडनैप किया था, वह बाद में पैसा लेने के बाद राज खुलने के डर से उसकी हत्या कर शव को घग्गर नहर पंजाब के पास फेंक कर फरार हो गए थे। बता दें कि आरोपी रविंदर उर्फ बिंद्रा निवासी गांव गोंदर द्वारा 18 मई 2020 को जिला अदालत करनाल में आत्मसमर्पण किया गया है। बताते चले कि आरोपी पर विशु की हत्या के मामले में 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा आरोपी उपरोक्त के खिलाफ चोरी लूट व हत्या के करीब 25 मुकदमे जिला कैथल, जिला करनाल व अन्य जिलों में रजिस्टर है। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि 29 दिसंबर 2019 को काफ़ी एक दुखद घटना हुई थी। एक काफ़ी यंग लड़का जो निसिंग का रहने वाला था, विशु उसका नाम था, उसे किडनैप करके फिरौती लेके और उसकी हत्या कर दी गई थी, जो पंजाब से उसकी बॉडी रिकवर हुई थी। तो काफ़ी एक दुखद घटना थी और तभी से इसकी गंभीरता को देखते हुए CIA 1 की टीम को जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन दी गई थी। बहुत मेहनत करके विदिन 3-4 डेज इस केस को वर्कआउट किया गया था और एक जो है व्यक्ति इसमें अमन उर्फ बाबा, उसे अरेस्ट किया गया था, जिससे सारी गुत्थी आगे इस केस की खुली थी। इसी केस में जो है एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, जिसका नाम जो है राजेंद्र उर्फ जिंदा, ये करनाल पुलिस के मोस्ट वांटेड था। इसके ऊपर रिवॉर्ड भी जो है घोषित कर रखा था। इस केस का मुख्य एक्यूज था और एक इसका साथी बिंदर, ये दो इस केस में वांटेड थे। तो कल CIA 1 की टीम को जो है इंस्पेक्टर दीपेंद्र की जो टीम है उनको बड़ी अच्छी कामयाबी मिली और कल शाम को 5 बजे चिका जो है डिस्ट्रिक्ट कैथल से इसे गिरफ्तार किया गया है और इससे एक 315 बोर का जो है देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस इससे बरामद किए गए हैं। इसकी अरेस्ट डाल के आज इसको पेश करके और आइंदा रिमांड पे लेके पूछताछ की। 25 के आसपास मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं और जिसमें जो है हत्या, लूट, डकैती, चोरी, स्नैचिंग, ये सब वारदातें इसके खिलाफ ऐसे मुकदमे दर्ज हैं। और अभी 12 केसेस में ये वांटेड था, कुछ केसेस में पहले अरेस्ट हो गया था। 12 ये हरियाणा में ही था, मोस्टली इसके केसेस करनाल के, कुरुक्षेत्र के और कैथल, इन 3 जिलों में जो है काफी एक्टिव था। कितने का इनाम दिया था सर? अभी 5,000 पे इस पे जो है रिवॉर्ड घोषित कर रखा था, मोस्ट वांटेड की लिस्ट में। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? अब इसे जो है कल अरेस्ट किया है, इसे प्रिलिमिनरी पूछताछ की है, इसने सारी वारदात जो उसके बारे में डिटेल से बताया है
अब आइंदा पुलिस रिमांड लेके जो कैश की रिकवरी है जो इसके हिस्से में आए थे वो भी रिकवर किए जाएंगे। और एक और अच्छी बात है कि जो इसका दूसरा साथी था वो भी कल कोर्ट में सरेंडर कर गया, उसे भी प्रोडक्शन वारंट पे लेके उससे भी पूछताछ की जाएगी। बिंदर, ये दोनों गोंदर गांव जो निसिंग में है वहाँ के रहने वाले। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.